कैमूर के दुर्गावती में डीएसपी के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस ने चोरी मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सभी लोगों को अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि कबिलासपुर के निकट ईट भट्टे से अज्ञात अपराधी गहने, रुपए और ऑफिस में रखा कुछ जरूरी सामान लेकर फरार हो गए थे। इस घटना की शिकायत प्रमुख ने थाने में आवेदन देकर दर्ज कराई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से ईट भट्टे से लूटे हुए मोबाइल बरामद हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डीएसपी ने बताया कि अपराधी मगरूडोम का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, मोहनिया थाना में चोरी कांड में पहले भी जेल जा चुका है। कबिलासपुर में ही एक भट्टा है जमुना जी का, जो पूर्व प्रमुख थे उनके यहाँ, झारखंड से बहुत सारे लेबर वर्क करते थे, ईटा उटा फाड़ने के लिए लोग आए हुए थे। उन्हीं लोग के पास से दिनांक 17/1/19 को पिछले रात्रि को उसके 7 मोबाइल, सभी के रोजमर्रा के कुछ पैसे रुपये और बाकी 1-2 लेडीज की गहने इन लोगों ने, चोरों ने ले जाकर उसका सब ले लिया लूटपाट करके और लेके चले गए। बाद में पुलिस ने अपने वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर 3 अपराधी को उन्होंने गिरफ्तार किया और 4 मोबाइल बरामद हुए जो उसी समय ले लिया गया था भट्टे पर से। तो 1 मोबाइल जो बरामद हुआ है वह कुद्रा में अभय कुमार के यहाँ से, बाद जब पुलिस गई तो उन्होंने बताया कि ये मोबाइल में फलना हजारी इसके बारे में बताया कि उससे मैंने 500 रुपया में खरीदा था। हजारी ने भी इस बात को स्वीकार किया कि हम 500 रुपया में बेचे थे। तो उस केस में इनको गवाह बनाया गया। बाकी 3 मोबाइल जो इन लोग के यहाँ से बरामद हुए, तीनों के ईंट भट्टे से लूटे गए अन्य सामानों के साथ आरोपियों के पास से 7 मोबाइल भी बरामद हुए हैं। फिलहाल लूट के अन्य सामानों को भी पुलिस बरामद करने के लिए प्रयासरत है। पुलिस आरोपियों को जेल भेजकर आगे की कार्रवाई में जुटी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैमूर से अजीत गुप्ता की रिपोर्ट।